छतरपुर जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ का निर्वाचन 22 जुलाई को होना है। निर्वाचन के पहले मैदान में उतरे अधिवक्ताओं द्वारा जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, साथ ही अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराने की बात भी की जा रही है। अधिवक्ता संघ का चुनाव 2 वर्ष में होता है। स्टेट बार काउंसिल द्वारा 936 मतदाताओं की सूची सौंपी गई है जिन्हें मतदान करना है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 8 लोगों ने फार्म भरे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए 2 पुरुषों एवं 3 महिला, अधिवक्ता सचिव पद के लिए 4 प्रत्याशी, सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी एवं अधिवक्ता धीरेंद्र नायक ने बताया कि जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ का मतदान 22 जुलाई को होना है। वहीं 23 जुलाई की सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर के द्विवार्षिक चुनाव चल रहे हैं और जिसमें वर्तमान में अब प्रचार का दौर है। कल दिनांक 19 को हमने एक नवाचार किया था कि सारे स्पीच ऑफ इलेक्टोरल स्पीच करके एक कार्यक्रम भी किया था, जिसमें सारे हमारे प्रत्याशियों ने अपने विजन हमारे मतदाताओं के सामने रखा था। 22 तारीख को अधिवक्ता संघ का सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक समय है। इसके बीच जो आ जाएंगे उस समय हमारे पास अपना उन्हें टोकन दे दिया जाएगा और उनसे मतदान कराया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ में 936 लोगों की मतदाता सूची स्टेट बार काउंसिल द्वारा जो हमें फोटो युक्त प्राप्त हुई है उसको हमारे निर्वाचक मंडल द्वारा यहाँ से जारी किया गया है और जिसमें 23 तारीख को ये सुबह 9 बजे से मतगणना होगी और मतगणना जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक चलती रहेगी। लगभग कितने कौन-कौन पद के लिए? अब हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष के लिए इस बार 9 फार्म आए थे। एक फार्म रामसेवक रावत जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने वापस ले लिया था और 8 लोग फिलहाल अध्यक्ष को लेकर के मैदान में है और ख़ास लोगों की उत्सुकता अध्यक्ष के लिए रहती है। वर्तमान में आनंद अग्रवाल, आनंद शर्मा और संदीप बिलथरे, मनीष भार्गव सहित 8 प्रत्याशी जिसमें ज्ञान स्वरूप चतुर्वेदी भी हैं, विनोद कुमार दीक्षित हैं, ये लोग हैं, नरेंद्र कुमार खरे जी भी हैं, ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। और उपाध्यक्ष पद में गणेश साहू और बीरेन्द्र गौतम ये पुरुष के लिए आरक्षित है, जबकि हमने महिलाओं के लिए भी एक अलग से आरक्षण किया है उपाध्यक्ष पद का, जैसा कि स्टेट बार काउंसिल का आदेश था। इसमें श्रीमती प्रतिमा चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, लक्ष्मी रेखवार और रचना त्रिपाठी हैं उपाध्यक्ष के लिए। सचिव हमारा जो अधिवक्ता संघ का है इनके लिए आलोक द्विवेदी, अभिलाष पटेरिया, संजय पाठक और अनिल कुमार द्विवेदी प्रत्याशी हैं। इसी तरह से ग्रंथपाल का पद भी हमारे यहाँ रहता है लाइब्रेरी को लेकर के, जिसमें भी 2 प्रत्याशी हैं। सह सचिव के लिए सुनील कुमार द्विवेदी और मनीष जैन तथा कोषाध्यक्ष के लिए आशीष कुमार पटेरिया पूर्व कोषाध्यक्ष हैं लगातार 3 बार से, और जितेंद्र मंगली जी ये 2 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्ग ए के लिए 11 प्रत्याशी, वर्ग बी के लिए सीनियर वर्ग होता है वर्ग बी के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में हैं तथा बी वर्ग में जूनियर के लिए 3-1 पद है आरक्षित, जिसमें 3 बहनें हमारी प्रत्याशी हैं, शिवानी चौरसिया, अंकिता विश्वकर्मा और अनुसुईया हुई के, 1 श्रीमती धीरज मिश्रा करके वर्ग ए में निर्विरोध है सदस्य कार्यकारिणी के लिए निर्वाचित हुई हैं। कुल 25 सदस्य हमारे कार्यकारिणी में रहते हैं जिसमें 1 निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है और 24 के लिए 22 तारीख को मतदान है। जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर का चुनाव 22 तारीख को होना निश्चित हुआ है और इसमें काफ़ी लोग अपना जोर आजमा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जो जूनियर्स अधिवक्ता है उसके बैठने की दिक्कत, उसको वकालत सिखाने की दिक्कत, उसको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने की दिक्कत, ये सारी समस्याएं हैं। पेयजल की समस्या है यहाँ अधिवक्ताओं को, महिलाओं के लिए वाशरूम की समस्या है, ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं जिनका निराकरण
अधिवक्ता संघ के माध्यम से हो सकता है, और पक्षकारों के यहाँ न्यायालय में आने, रुकने और भोजन की व्यवस्था ये भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि छतरपुर ज़िला 100 किलोमीटर में फैला हुआ है और दूर दूर से यहाँ पे पक्षकार आते हैं। उनको ना तो यहाँ पे रुकने के लिए कोई भवन है, एक भवन पूर्व में रामकृष्ण कुसमरिया जी के द्वारा 10.5 लाख रुपए दे के बनवाया गया था, जिस भवन में आज तक किसी भी पक्षकार को रुकने का अवसर नहीं दिया गया और न्यायालय के द्वारा उस बिल्डिंग में कब्जा कर लिया गया, और विगत 10-15 वर्षों से हमारे जिला अधिवक्ता संघ उस बिल्डिंग पे कोई कब्जा नहीं कर पाया, और अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर हम लोग चिंतित हैं, और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। हमारी ऐसी जो समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ अधिवक्ता संघ संघर्ष कर रहा और चुनाव चल रहा है।